The 14th question says a bullet of mass 10 grams traveling horizontally with a velocity of 150 meters per second strikes a stationary wooden block and comes to rest in 0.03 seconds. Calculate the distance of penetration of the bullet into the block. Also calculate the magnitude of the force exerted by the wooden block on the bullet. ठीक है, गिवन क्या क्या है? फाइनल वेलोसिटी जीरो है क्योंकि द बुलेट इज कमिंग टू रेस्ट, टाइम इज 0.03 सेकेंड. ठीक है, निकालना क्या क्या है? ठीक है, तीन चीजें निकालनी है. देखो मास का काम फाइनली हमें कहां पे आएगा, जब हमने फोर्स निकल दिया. ठीक है, उसके अलावा मास का काम नहीं पड़ता. नाउ टू कैलकुलेट द एक्सेलरेशन वी हैव वी यू एंड टी. ठीक है, तो कौन सा इक्वेशन लग जाएगा? फर्स्ट इक्वेशन वी इज इक्वल टू यू प्लस ए टी. अब वी जीरो है, यू इज 150 प्लस ए इंटू टी. ठीक है, तो ए इज इक्वल टू -150 अपॉन 0.03 है तो हम इंटू 100 कर रहे हैं. ठीक है, अपॉन 3 कर रहे हैं. ये स्टेप समझ में आ रहा है? ऑल स्टूडेंट्स, ये 0.03 होता तो डेसिमल हटाने के लिए ऊपर 100 कर दिया. ठीक, 3 इंटू 5 इज 50 एंड वी हैव 50 और ये आ गया 5000. हाँ, रिटार्डेशन है ऑब्वियसली. ठीक है, ये निकल गया. अब ये पूछ रहे ना कितने अंदर तक पेनिट्रेट करा है बुलेट, कैसे निकलेगा? बुलेट एक वुडन ब्लॉक में जब शूट की गई तो कितना पेनिट्रेट की, ये भी तो पूछा है. कैलकुलेट द डिस्टेंस ऑफ पेनिट्रेशन ऑफ द बुलेट. ठीक है, कौन सा इक्वेशन थर्ड लगा देगी सेकेंड? थर्ड ही लगा दे, सेकेंड वाला थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड समझ में आएगा. सो वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as. कह के रहा है यू स्क्वायर प्लस 2as इज इक्वल टू 0. वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2a. फाइनल वेलोसिटी 0 है तो वी स्क्वायर वाला पार्ट 0 हो गया. ठीक है, तो 2as बराबर क्या हो जाएगा? माइनस यू स्क्वायर हो जाएगा और s बराबर क्या हो जाएगा? माइनस यू स्क्वायर अपॉन 2a. इतनी कहानी समझ में आ रही हो? कोई ऐसा जिसको कोई दिक्कत हो? समन हो रहा था डाउट कि नहीं सर ये कहां से लिख दिया? एक्सेलरेशन हमारे पास आ गया था. अब बताना था कि अगर गोली उस लकड़ी के ब्लॉक पे टकरा रही है सो इट्स गोइंग टू पेनिट्रेट इन टू इट या उसमें घुसेगी. ठीक है, तो बोल रहे कितने अंदर तक जा रही है उस लकड़ी के ब्लॉक. तो पूछ क्या रहा है? अल्टीमेटली
डिस्प्लेसमेंट पूछ रहा है या डिस्टेंस, जो भी बोल दो उसको, ठीक है, स्ट्रेट लाइन मोशन हो गया, तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों बात वही हो गई। हाँ, अब एस इज इक्वल टू यूटी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर की भी इक्वेशन है और बी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस टू ए एस वाली, तो वी यूज द थर्ड वन। अब बी स्क्वायर नेचुरली जीरो हो गया बिकॉज द बुलेट इज कमिंग टू रेस्ट, ठीक है, तो वेलोसिटी की फाइनल वेलोसिटी की वैल्यू जीरो होगी। अब हमें निकालना गया डिस्टेंस, तो जब इक्वेशन हमने सॉल्व की थोड़ा सा तो ये आ गया। अब इसमें हम वैल्यू रख के देखते हैं क्या होगा, 150 इंटू 150 अपॉन 5000, राइट, यही होगा। यू स्क्वायर होगा ना, यू क्या था 150 होगा, तो यू स्क्वायर क्या हो गया 150 इंटू 150 और अपॉन ए, ए क्या था 5000, ठीक है, टू कर दिया। अब 15 का स्क्वायर क्या हो गया 225, बट एक हमारे पास क्या बचा हुआ है जीरो, तो 50 बचा हुआ है ना इसमें, फाइव इंटू 10 50 कर दे रहे और 5 इंटू 3 15 कर दे, तो अब क्या बचा 45 अपॉन 20, फाइव फोर द 20, फाइव नाइन द 45 बचा क्या 9 अपॉन 4, जिसको जब हम सॉल्व करेंगे तो 4 इंटू 2 इज 8 एंड देन विल बी 2.25 आ रहा है क्या, क्या आ रहा है 2.25 मीटर यूनिट, देखो आंसर में क्या है, मीटर है, ठीक है, तो यही आंसर हो जाएगा, समझ में आ गया, ये जिसे नोट करना हो नोट कर सकता है, थोड़ा हौच पौच है बट स्टेप वाइज करना, जिसे क्लियरली अगर बाद में रिवाइज करो तो समझ में आ जाएगा। सो दिस वॉज द 15th क्वेश्चन, राइट, 14 नाउ वी हैव टू लुक एट द 15th वन। एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास 1 केजी इज ट्रेवलिंग इन अ स्ट्रेट लाइन विद अ वेलोसिटी ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड, कोलाइड्स विद एंड स्टिक्स टू अ स्टेशनरी वुडन ब्लॉक ऑफ मास 5 केजी, ठीक है, दे बोथ मूव ऑफ टुगेदर इन द सेम स्ट्रेट लाइन, कैलकुलेट द टोटल मोमेंटम जस्ट बिफोर द इम्पैक्ट एंड जस्ट आफ्टर द इम्पैक्ट, ठीक है, तो इनिशियल मोमेंटम पूछ रहा है, फाइनल पूछ रहा है, जैसा हॉकी प्लेयर वाला क्वेश्चन था सेम अप्रोच वही लगे, ठीक है, ट्राई टू सॉल्व इट, फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स एग्जर्टेड ऑन द ऑब्जेक्ट, ठीक है, तो जब इनिशियल मोमेंटम फाइनल मोमेंटम निकल जाएगा, ठीक है, तो क्या फिर बाद में निकलेगा आपका रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, अगर आप निकाल देंगे तो फोर्स पता लग जाएगा। नहीं, फिर नई वेलोसिटी पता लगेगी और इनिशियल वेलोसिटी के हिसाब से फिर एक्सेलरेशन फाइंड आउट करेंगे, तब मास इनटू एक्सेलरेशन होगा। ठीक है, जैसा आप उचित समझे भाई। सो व्हाट डेटा डू वी हैव विद अस, द मास ऑफ टू बॉडीज, सो एम वन इज हाउ मच एंड व्हाट अबाउट एम टू, यू वन यू टू जीरो। अब नाउ द क्वेश्चन फर्दर सेज कि अब दोनों कंबाइन होके चले, ठीक है, तो मतलब अब वी वन वी टू की बात नहीं होगी ना, एम वन एम टू मतलब एम टू की बात नहीं होगी, नहीं एम वन एम टू अब चेंज होंगे एम में हो जाएगा, दोनों बॉडीज का मास एड अप हो जाएगा, ठीक है, तभी कंबाइन होके चलेगा, तो अब वी कितना है,
ये पता है कितना दिया है? बी निकालना है। एम कितना हो जाएगा? सिक्स। क्या है ये? एम वन प्लस एम बी, राइट। इक्वेशन क्या होती है? यही हो जाएगा। बी निकालना है। एम वन यू वन क्या हो जाएगा? वन इंटू टेन प्लस एम टू यू टू क्या हो जाएगा? फाइव इंटू जीरो। एम कितना आ जाएगा? सिक्स इंटू बी। जीरो क्यों है? क्योंकि यू टू जीरो। बात समझ आ रही है? टेन इज इक्वल टू सिक्स बी। बी क्या आ गया? टेन अपॉन सिक्स, मतलब ठीक है, यही आ गया। हाँ, उसमें भी चेंज कर सकते हैं अगर चाहे। यही पूछा था, और क्या पूछ रहा क्वेश्चन? कैसे निकलेगा एम इंटू बी से? सिक्स इंटू फाइव अपॉन थ्री, यही होगा। कितना आ जाएगा? सीधा टेन आ जाएगा। आंसर पीछे से मैच हो रहा है? ठीक है, वो दिक्कत। तो जस्ट बिफोर द इंपैक्ट कितना था? ये वाला है, ठीक है। आफ्टर द इंपैक्ट क्या है? ये तो अब हमारे पास दोनों वैल्यूज है, हम कैलकुलेट कर लेंगे। पी आफ्टर कर लेंगे। एन कितना हो गया? सिक्स इंटू फाइव अपॉन थ्री टेन किलोग्राम मीटर पर सेकेंड। ये भी बता रहा है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन प्रूफ कर रहा है ना, टोटल इनिशियल इज इक्वल टू टोटल फाइनल। ये हम थोड़ी कह रहे हैं, कंजर्वेशन और मोमेंटम का जो हम लोगों ने थोड़ा पढ़ा वो यही तो बता रहे हैं ना, जितना पहले रहा होगा उतना ही टोटल बाद में। तो टेन पहले भी था और टेन अभी भी है, तो मतलब थ्योरम हमारा प्रूव हो रहा है, सवाल भी हमारा सही है, ठीक है। लेट अस लुक एट द 16th वन। अगेन अ सिंपल क्वेश्चन। एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास 100 kg इज एक्सेलरेटेड यूनिफॉर्मली फ्रॉम अ वेलोसिटी ऑफ 5 मीटर पर सेकेंड टू 8 मीटर पर सेकेंड इन 6 सेकेंड। कैलकुलेट द इनिशियल मोमेंटम ऑफ द ऑब्जेक्ट, ऑल्सो फाइंड द मैग्नीट्यूड। ये जो 5, 8 और 6 दिया, इससे क्या निकल जाएगा? एक्सेलरेशन, ठीक है, v माइनस यू अपॉन टी से। और m दिया है कितना? 100 kg। इनिशियल मोमेंटम एम यू, फाइनल मोमेंटम एम वी, ठीक है। मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स मास इंटू एक्सेलरेशन से निकल जाएगा। सवाल हो जाएगा कि सॉल्व कर रहे हैं? यही इतना दिया, टाइम कितना है? 6 सेकेंड। इनिशियल एंड फाइनल मोमेंट। आंसर चेक कर लीजिएगा पीछे से, सही है कि नहीं? सही है।
इनिशियल और फाइनल मोमेंटम तो हमारा ये आ गया, ठीक है। फोर्स कितना है 50, ठीक है। एक्सेलरेशन क्या हो गया, v माइनस u अपॉन t, मतलब क्या आया 8 माइनस 5 अपॉन 6, 3 अपॉन 6, 1 अपॉन 2, यही फोर्स क्या हो गया। ठीक है,